सो दिस वीडियो वॉज स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल द हरियाणा पीपल। बस 6 मिनट की दूरी पे हैं और लेट भी हो गए यार, हम तकरीबन ओपनिंग से 1.5 घंटा लेट हो गए। और ठीक हो जी आप? आज आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से आज हमारी 40 से भी ज्यादा ब्रांचेज हो चुकी है। और 2013 में इनके साथ हादसा हुआ, बट फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आपको देख के पूरा प्रो अल्टीमेट जिम आपको सैल्यूट करता है। जितने भी बंदे हैं सबका टेस्ट होना चाहिए, सबको प्रॉपर गाइडेंस, सबकी प्रॉपर पोस्चर वगैरह, इनका सबका ध्यान रखना चाहिए। और मिस्टर रोहतक रह चुका हूँ, मिस्टर रेवाड़ी रह चुका हूँ, और मिस्टर हरियाणा में थर्ड पोजीशन पे। क्या बात है। हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस एंड अभिषेक व्लॉग। आज है दिन 6 जनवरी सैटरडे और हम जा रहे हैं रेवाड़ी। प्रो अल्टीमेट जिम्स की एक नई ब्रांच की ओपनिंग है हरियाणा में और बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं जिन्होंने वो ब्रांच ओपन करी है। एयरफोर्स में है और अभी रिटायर नहीं हुए हैं, जॉब के साथ साथ उन्होंने अपने भाई को जिम खुलवाया और साथ में मेरे हैं डैनियल भाई एज ऑलवेज, साथ में है डैशिंग पर्सनैलिटी मोहिंदर भाजी और सुरेश भाई घड़ी में बैठे हैं जो आपको दिख नहीं रहे होंगे। बस लेट हो गया, टाइम बज गया 11 और निकलते हैं क्योंकि वहाँ 3 बजे का टाइम है। देखते हैं कितने बजे पहुंचेंगे, रास्ते में बातें करते रहेंगे। अब गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट निकलते हैं। बस यार रास्ता तो बड़ा लंबा था, है ना, हमने सोचा था जल्दी पहुंच जाएंगे बट फॉग करके टाइम लग ही गया। रेवाड़ी एंटर तो हम कर चुके हैं, है ना। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार भाई किसी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्यारे प्यारे लोगों के आपने हमें दर्शन कराए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रो अल्टीमेट जिम रेवाड़ी की भगवान करे एकदम बहुत ही नजारा एडमिशन में ठीक हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा आपके बीच आने का मौका मिला, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को राम और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा रविंद्र भाई का कि जिसने रेवाड़ी शहर में एक ऐसी जिम की। ऐसी जिम हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है, बड़े शहरों में मिलती है गुड़गांव दिल्ली, लेकिन रेवाड़ी में पहली ऐसी जिम हुई है। हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि आप सब यहाँ ज्यादा से ज्यादा आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अभिषेक है और प्रो अल्टीमेट जिम्स जो चेन है ये मैंने 2012 में शुरुआत करी थी। बट पहले मैं चाहूँगा जो आज के हमारे स्पेशल अतिथि यहाँ पे मुख्य अतिथि, इतनी सुपरस्टार पर्सनालिटी हमारे बीच में आई हुई हैं, एक बार भव्य तालियों से इनका स्वागत किया जाए। जोरदार जोरदार तालियाँ, मतलब पता लगना चाहिए इनको रेवाड़ी में यार इनका जबरदस्त स्वागत हुआ है। थैंक यू सो मच। तो बात करता हूँ प्रो अल्टीमेट जिम्स की। 2012 में हमने शुरुआत करी थी सहारनपुर यूपी से, बड़े छोटे से जिम थे। जिम इतना बड़ा था जितना ये हॉल है जहाँ हम बैठे हैं, बाहर वाला हॉल नहीं, ये अंदर वाले हॉल की बात कर रहा हूँ। 2012 में आज से 12 साल पहले, और उस टाइम मेरी उम्र 23 साल थी और तब से मेहनत करी छोटे जिम से शुरुआत करके मेहनत करके। सबसे अच्छी बात उस टाइम पे क्या थी, हमारे पास इतने अच्छे इंटीरियर नहीं थे, इतना अच्छा ब्रांड नेम नहीं था, इतनी अच्छी मशीनरी नहीं थी, बट हमने खूब मेहनत करी। और हमारा जिम सहारनपुर में फेमस होने का सबसे बड़ा कारण था कि हमने लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छे दिए। सहारनपुर में उस टाइम सबसे ज्यादा हमारा हाइप क्रिएट हुई थी, वही थी हमने हमारी ट्रांसफॉर्मेशन करके सबसे ज्यादा फैट लॉस और मसल बिल्डिंग की जो ट्रांसफॉर्मेशन आई थी वो प्रो अल्टीमेट जिम्स में आई थी। और उसके बाद 2 साल में वो शहर का सबसे बड़ा जिम बन गया, मतलब 700 स्क्वायर फीट से शुरू हुआ हुआ जिम 2 साल में इतना बड़ा जिम बन गया था जो आज गजेंद्र भाई ने यहाँ पे बनाया। तो एक बार गजेंद्र भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतना प्यारा जिम बनाया, इतनी अच्छी शानदार लुक आई है कि एंटर करते ही तबीयत ही खुश हो गई यहाँ पे आते ही। और मुझे उम्मीद है आप सबको भी जिम बहुत अच्छा लगा होगा। और 2014 में हमने फिर चंडीगढ़ में एंट्री करी। चंडीगढ़ में हमने जीरकपुर में, चंडीगढ़ के पास एक शहर है जीरकपुर, वहाँ पे जिम बनाया, फिर मोहाली में जिम बनाए, चंडीगढ़ में जिम बनाए, सिलसिला चलता रहा। आज आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से आज हमारी 40 से भी ज्यादा ब्रांचेज हो चुकी। और एक वक्त ऐसा भी आया कि लॉकडाउन लगा, जब लॉकडाउन में आपको सबको पता है जिम्स बंद हो गए थे, और उस वो हमारे लिए सबसे पेनफुल टाइम था, सबसे तकलीफ वाला टाइम था, क्योंकि आपको पता है जिम्स ना ज्यादातर रेंट पे ही खुलते हैं,
क्योंकि जिम्स आपको पता है कि बड़ी जगह चाहिए होती है ना, हॉल चाहिए होता है बड़ा। और उस टाइम मेरे हर जिम का रेंट 1.5 से 2 लाख रुपए था, और हमने उस टाइम अपना टाइम खराब नहीं करा, हमने जिम मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी और मैन्युफैक्चरिंग करी, और ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद रहा, आज हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसका नाम है अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस, आज वो भी इंडिया के टॉप 5 यूनिट्स में से एक है। और जितना भी आप यहाँ मशीन्स देख रहे हैं ये मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस है। तो आप लोगों के आशीर्वाद से अल्टीमेट ग्रुप आज इंडिया के टॉप 5 में आता है, और ब्रांचेस जैसे हमारी ग्रो कर रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 साल में हमारी 100+ ब्रांचेस क्रॉस करेंगी और ये इंडिया का नंबर 1 इंडियन चेन, क्योंकि आज तक जितने भी इंडिया में ब्रांड है ना, सब बाहर के ब्रांड है, जितने भी आपने सुने होंगे, ये ब्रांड इंडिया का आज इतना फैलता जा रहा है और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है क्योंकि हमारी जो फीस है और जो फैसिलिटीज है वो सबको सूट करती है, हर कैटेगरी के पर्सन को सूट करती है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग के प्यार और सहयोग से ये जिम इतना चलेगा कि गजेंद्र भाई आने वाले 1 साल में 1 जिम और प्लान करेंगे। और हमारी अभी दिल्ली में भी साकेत में एक ब्रांच ओपन हुई है, और जनवरी के एंड में गुड़गांव सेक्टर 14 में हल्दीराम्स के ऊपर भी एक ब्रांच आ रही है। और साथ में मेरे मोहिंदर जी हैं, ये मेरे रिलेशन में तो साडू लगते हैं, बट इन्होंने मेरे को ज्वाइन करा था 2017 में ज्वाइन करा था, आज सर के भी 8 से ज्यादा जिम हो चुके हैं और इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आज हम दोनों मिलके इस कंपनी को चला रहे हैं। तो एक बार मोहिंदर जी से भी इंट्रोडक्शन चाहूंगा कि प्लीज। थैंक यू जी, बहुत खुशी होती है कि जब मैंने, मतलब गर्व भी होता है कि जब मैंने 2017 में ये डिसीजन लिया था एक कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ के, जैसे आप इंदर जी जॉब में है तो मैं भी उस समय कॉर्पोरेट सेक्टर में था टेलीकॉम में, तो बहुत बड़ा डिसीजन था, तो छोड़ के मैंने यहाँ शुरुआत की थी। तो आज वो सबके सामने मिसाल है कि अराउंड 6 साल हुए हैं, 6-7 साल, और मेरे अपने 7-8 जिम हैं और मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का, बड़ी खुशी होती है। एंड मैं यही चाहता हूँ कि आप भी इसे तरक्की करें। तो आपने देखा कितना एक्साइटिंग ये ओपनिंग सेरेमनी थी। तो अब फटाफट मैं आपको पूरा वॉक थ्रू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने ट्रेडमिल्स आप देख सकते हो, ये लेटेस्ट इंट्रोड्यूस करी है, ये बहुत स्टेबल है और बहुत इकोनॉमिकल है, हाईली ड्यूरेबल ट्रेडमिल्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 क्रॉस ट्रेनर्स हैं, इधर स्टेयर मास्टर है, और यहाँ पे एक अपलिफ्टेड एरिया बनाया फॉर द स्पिन बाइक्स, जो कि बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा इस ग्रेस को बढ़ा रहा है इस जिम की। और मूविंग फर्दर आप देख सकते हो इस जिम का फ्रंट बहुत अच्छा है, एक्सटीरियर की भी मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। और यहाँ पे मूव करते हैं, इधर आपको कारपेटिंग मिल जाएगी, ऊपर प्रोफाइल लाइटिंग का डिजाइन बहुत प्यारा है, और यहाँ पे सारी रबर टाइल शुरू हो जाती है, बड़ा स्पेशियस यहाँ का स्ट्रेंथ सेक्शन है। और इधर यहाँ पे आपको हमारी जो सबसे अच्छी और सुपर हिट सीरीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज, उसके स्टेशन दिख जाएंगे, इनर आउटर थाई, लेग कर्ल विद लेग एक्सटेंशन, यहाँ पे डुअल साइड लेटरल, ये मशीन भी बहुत आजकल ट्रेंडिंग है क्योंकि इसमें आप स्टैंडिंग साइड लेटरल भी कर सकते हो, बेंड साइड लेटरल भी कर सकते हो। मूविंग फर्दर ऑल टाइम हिट हमारी डबल पुली लैट पुल डाउन, मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस, लॉन्ग पुल जिसको हम सीटेड रो कहते हैं। इधर फंक्शनल ट्रेनर आ जाता है, प्रीचर बेंच हो गई, और अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लोरिंग 25 mm की हम करते हैं डंबल एरिया में, जो कि बहुत सुटेबल रहती है फ्लोर के लिए। और इधर ये हमारा लेटेस्ट डिजाइन डंबल रैक है, ये 2 डंबल रैक है, बट जब हम इसको हम ज्वाइन करते हैं ना तो इसकी ज्वाइनिंग इतनी अच्छी होती है, लगता है एक ही है, इसका सीक्वेंस बहुत प्यारा लगता है। तो इधर एडजस्टेबल बेंचेस आ जाएंगी सारी। एंड मूविंग फर्दर यहाँ लास्ट में हमने रखी हुई है स्मिथ मशीन विद पावर रैक, जो कि हमारी मॉन्स्टर स्मिथ मशीन है, और इधर सुपर स्क्वाट है, सीटेड काफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और ये हमारी लेटेस्ट डिजाइन लेग प्रेस। यहाँ पे डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर का एक पैसेज है, जो कि बहुत ज़्यादा सुटेबल रहता है लंच वॉक करने के लिए और फार्मर वॉक करने के लिए, जो फार्मर वॉक होती है ना ट्रैप बार से, तो एक डेडिकेटेड एरिया हो जाता है, पैसेज भी एक डिमार्क हो जाता है जिम में।
और इंटीरियर को भी ये ग्लो दे देता है रेड कलर, क्योंकि हमारी मशीन्स भी रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन में ज़्यादा चलती हैं और रेड कलर का ये पैसेज बीच में आ जाता है। कई सारे जिम्स में हमने इंट्रोड्यूस करा है। और कुछ मैं आपको हैमर सीरीज यहाँ पे दिखाता हूँ, इधर आपको लो रो मिल जाएगी देखने के लिए, यहाँ पैक्सलाई भी है और यहाँ पे हमारी स्पेशल डेडिकेटेड चेस्ट प्रेस मिल जाएगी। एंड ये ग्राउंडेड टी बार है, ये एब्स मशीन है, दिस इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्टीमेट जिम सॉल्यूशन। एंड फर्दर मूविंग ये हमारी हैमर प्राइम सीरीज की शोल्डर प्रेस, और इधर सारी आ जाती हैं बेंच प्रेस, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी केबल क्रॉस, और इधर हाइपर एक्सटेंशन है, डुअल ट्विस्टर है। तो जैसा कि मैं हर सेटअप में आपको बताता हूँ, जो भी 5000 स्क्वायर फीट या 4000 स्क्वायर फीट का सेटअप होता है, हम उसमें फंक्शनल ट्रेनर केबल क्रॉस दोनों रखते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ का एरोबिक सेक्शन कैसा दिखता है, और फिर आपको वॉशरूम्स भी दिखाते हैं। तो ये यहाँ का एरोबिक्स एरिया है, इट इज़ अप्रॉक्स 500 स्क्वायर फीट, और यहाँ पे 20 के आसपास लोग एरोबिक्स, जुम्बा, डांस कर सकते हैं। और बैकग्राउंड पे ब्रांडिंग बहुत अच्छी हुई है, बट यहाँ पे अभी क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो चेयर्स वगैरह आपने देखा ही होगा। और यहाँ मिरर्स हमने बहुत अच्छे लगाए हैं, 8 फीट हाइट के मिरर्स हैं, और इस पूरे जिम की सीलिंग बहुत हाइट पे है, तो 8 फीट के हमने मिरर्स लगाए हैं, जो कि और ज़्यादा ग्लो दे रहे हैं जिम को, और ज़्यादा एनलार्ज्ड लुक आ रही है। तो आ जाओ मैं आपको वॉशरूम्स दिखाता हूँ, बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम यहाँ पे बने हैं। वॉशरूम का अप्रॉक्स साइज होगा 300 स्क्वायर फीट, यहाँ पे दो वॉश बेसिन आपको मिल जाएंगी, और ये भी बड़ी लेटेस्ट मैंने देखे हैं, यहाँ पे ना ओवल शेप में मिरर्स लगे हुए हैं और इसमें इनबिल्ट लाइटिंग है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टीम रूम अलग से बनाया है, डेडिकेटेड शॉवर है, दो WC हैं, उधर यूरिनल्स हैं, और बड़ा स्पेशियस वॉशरूम है, लॉकर्स भी यहाँ पे है। आई कैन से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जिम्स ऑफ रेवाड़ी जो मैंने अब तक देखे इतने स्पेशियस और सारी फैसिलिटीज़ के साथ। तो आज आपसे एक बड़े जाबाज इंडियन आर्मी के मिस्टर कौशल जी, इनसे मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। आज ये यहीं पे बाय चांस मिले मुझे और मैं इनको देख के बहुत मोटिवेट और इंस्पायर हुआ। सर कैसे हो आप? सर बढ़िया, फाइन। आप और कैसे हो? कमाल की बात क्या है, सर थे पंजाब रेजिमेंट में जी, और पंजाब रेजिमेंट, और आज के टाइम में ये यहाँ के फिटनेस आइकन है। इनकी वीडियो में दिखाऊंगा कितना कमाल का वर्कआउट करते हैं, और 2013 में इनके साथ हादसा हुआ, बट फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, नहीं तो लोग ना कहते हैं कि अब बचा ही कुछ नहीं है। तो सर प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताओ ताकि आपसे लोग इंस्पायर हो। सर मैं पंजाब रेजिमेंट से आर्मी में एक सर्विस मैन हूँ, अभी आर्मी से रिटायरमेंट होके और हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ। पहले मेरी पंजाब रेजिमेंट थी आर्मी में, और मेरा ये माइन ब्लास्ट में पैर चला गया था, उसके बाद लगभग हम 23 बंदे के लगभग थे आर्मी में जो मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ था। 23 में से आज के दिन हम सिर्फ 3 ही बंदे ऐसे हैं जो अपने आप को मेंटेन रख रहे हैं। तो सर थोड़ा 2013 में किस जगह पे थे जब ये हादसा हुआ? ये सर उड़ी में। उरी में जी। सर्जिकल स्ट्राइक करने आप ही गए थे क्या उस टाइम 2013 में? सर वहाँ पे ना फौज को एक्चुअल टास्क मिलता है। अच्छा। तो ऐसे ही मेरी यूनिट है पंजाब रेजिमेंट, हमें भी एक टास्क मिला था। तो जब हम शाम को जाते हैं तो ये लगभग ये लगा लो कि 100 मीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, 50 मीटर पे पाकिस्तान है और बीच में ही अपनी जो LOC होती है जी। तो वहाँ पे हम रेकी करते हैं कोई भाई मिलिटेंट आना जाना उनका, तो हमारा वो डेली का रूटीन है। तो जो अपनी पुरानी माइंस दबी हुई है बर्फ में ना, तो उनके ऊपर पैर टिकने से और वो फट गई थी। तो मौत को ना मैं बहुत ही टच करके आया हूँ, और सबसे मेरे को तभी महसूस हुआ कि अभी भाई मेरे साथ वाले हैं उनका पैर गया, बोला यार कौशल अभी क्या करेंगे, अभी तो पैर गया है, अभी तो लाइफ ही ख़त्म होगी। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ कभी भी ख़त्म नहीं होती, अपना काम एक ही मुद्दा है कि अपने खुद को मेंटेन रखना और हार्ड वर्क करना, ये बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में। सुबह 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद 2 घंटा वर्कआउट होता है मेरा, और उसके बाद 86 किलोमीटर में हरियाणा में जॉब करता हूँ, 9 बजे वहाँ पे 10 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इंसान को कभी हारना नहीं चाहिए, लाइफ आए हैं इसको जियो, हीरो की तरह जियो। आर्मी में थे जब भी हीरो थे, और कोशिश यही है कि जब तक जिएंगे हमेशा मोरल अप, मोटिवेशन और जोश जज्बे के साथ। तो मेरा सभी को यही संदेश है कि कभी लाइफ में हार नहीं माननी है, लाइफ में हार नहीं माननी, जिंदगी जीना ही है तो मेहनत करके और दिल से जियो। आज के दिन सबसे इम्पोर्टेंट है अपना बॉडी फिटनेस। बॉडी फिटनेस इसलिए कि भाई ऐसा नहीं कि क्योंकि बीमारी से बचाता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर जो बंदा 24 घंटे में अपने लिए, अपने खुद के मेंटेनेंस के लिए 1 से 2 घंटा या 1.5 घंटा निकाल लेता है, तो वो उसको लाइफ में मेरे ख्याल से तो कभी ना तो बीमारी होगी, ना कभी वो हॉस्पिटल देखेगा,
और वर्कआउट एक लाइफ का हिस्सा बन चुका है। इसको हमेशा जब तक जियोगे तब तक वर्कआउट को अपनी आदत में शामिल करो और हमेशा नंबर वन रहो। और एक तो आप हीरोज देखते हो ना जो टीवी पे आते हैं, मूवीज में आते हैं, और ये है रियल लाइफ हीरो। और एक चीज कौशल भाई और बताएं जी, तो ये जिम के बारे में कहां से पता लगा? आप ये जिम ज्वाइन कर चुके हैं क्या अभी? सर हाँ, ये ज्वाइन कर लिया सर आज से। अच्छा, आज से करा आपने? जी 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 जी, स्वागत है आपका। मैंने तो ये तो आज तो सर मतलब एक तरह से ओपनिंग थी। अच्छा, लेकिन इससे पहले ही सब ओके था। चलो मैं जी आपको देख के पूरा प्रो अल्टीमेट जिम आपको सैल्यूट करता है सर। थैंक यू सो मच। और आपके एफर्ट्स को देख के, आपकी फिटनेस को देख के और मोटिवेशन को देख के, आपके हौसले की हम सब दाद देते हैं आपके। थैंक यू। और आपके इस इंटरव्यू को देख के पता नहीं हमारे कितनी ऑडियंस मोटिवेट होगी। जी जी जी, मेरी वीडियो है सर इंस्टाग्राम पे भी। आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी बताओ, सब फॉलो करेंगे और मोटिवेट होंगे। जी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कौशल जांगड़ा, KOSHAL JANGRA, कौशल जांगड़ा। मैं भी आपसे इन्हें फॉलो करूंगा और इस वीडियो पे ना कौशल जी के ब्रेवरी और हौसले के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। जय हिंद। जय हिंद। हेलो एवरीवन, मैं हूं डैनियल और आज हम आए हुए हैं रेवाड़ी में एक नई जिम की ओपनिंग पे। गजेंद्र जी हमारे साथ हैं, तो इनसे भी जानते हैं इनका एक्सपीरियंस। और यहाँ पे काफी लोग हमारे से क्वेश्चंस कर रहे थे कि आपकी फ्रेंचाइजी के बारे में थोड़ा बताइए, ब्रांड के बारे में बताइए। तो अभिषेक सर हमारे साथ ही आज, तो इनसे हम डायरेक्टली पहले तो पूछेंगे कि सर आप थोड़ा सा आप ही डिटेल दीजिए कि फ्रेंचाइजी के बारे में काफी लोगों ने यहाँ पे पूछा कि कैसे ली जा सकती है, क्या सेगमेंट इसका रहेगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो फ्रेंचाइजी के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। देखो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा प्रो अल्टीमेट जिम्स जो है ये ब्रांड है क्या, ये 2012 से शुरू हुआ था और ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है। ये ब्रांड ऐसा है जो हर बंदे को सूट कर रहा है। जिस शहर में भी ये प्रो अल्टीमेट जिम आता है ना, वहाँ पे एक अलग सी हाइप क्रिएट होती है, लोगों में अलग सी एक्साइटमेंट आती है जिमिंग को लेके। और ये ब्रांड क्यों फेमस हुआ पिछले 12 साल में, क्योंकि शुरुआत तो बहुत छोटे से जिम से, 700 स्क्वायर फीट के जिम से हुई थी सहारनपुर में। बट ये फेमस क्यों है, क्योंकि इस ब्रांड की जो फैसिलिटीज हैं और जो रिजल्ट्स हैं, ट्रेनर की जो कैपेबिलिटीज हैं, वो सबसे नंबर वन है। और फैसिलिटीज की मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको सबसे अच्छे इंटीरियर, सबसे अच्छी मशीनरी, सबसे अच्छी ट्रेनिंग, सबसे अच्छी डांस क्लासेस फैसिलिटीज, सबसे बड़े वॉशरूम्स, हर चीज अप टू डेट मिलती है बड़े रीजनेबल रेट में। और ऐसा प्राइसिंग है, ऐसे पैकेजेस हैं जो कि हर बंदे को सूट करते हैं, बिजनेसमैन को भी सूट करते हैं, फीमेल्स को भी सूट करते हैं, सर्विस क्लास को भी सूट करते हैं, स्टूडेंट को भी सूट करते हैं। और इसलिए लगातार प्रो अल्टीमेट जिम्स की चेन बढ़ती जा रही है। तो सर एक क्वेश्चन और आया था यहाँ पे, कुछ लोगों ने पूछा था कि काफी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी इंडिया में अवेलेबल हैं, जैसे कि गजेंद्र सिंह जी ने पहले काफी सारे ब्रांड्स की बारे में पूछा था और देखा था कि कौन सी फ्रेंचाइजी इनको लेनी चाहिए, तो वाई ओनली प्रो अल्टीमेट? मतलब ये तो इंडियन ब्रांड है, तो अगर किसी के पास इंटरनेशनल ब्रांड की ऑप्शन है तो मतलब वो क्यों जाना चाहेगा इंडियन ब्रांड के साथ? देखो इंटरनेशनल ब्रांड भी इंडिया में अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट एक तो हमें इंडिया को प्रमोट करना है ना, ये इंडिया का ब्रांड है और ये हमारी फीलिंग्स और हमारे हार्डवर्क से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आप जो भी मशीनरी देखते हैं ये कोई USA, चाइना, ताइवान से नहीं आती, ये सारी मेड इन इंडिया है। और इससे हमारा भारत देश प्रमोट हो रहा है, देश आगे जा रहा है, ट्रेनर्स आगे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कॉस्टिंग, जो इंटरनेशनल ब्रांड की आपको 3 करोड़ या 2.5 करोड़ के आसपास की फ्रेंचाइजी मिलती है, वही यहाँ पे 70 से 80 लाख में मिलती है, सेम फैसिलिटीज। और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है सबसे फास्ट है, मतलब जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी ओनर हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हम लगातार डालते हैं, 1 से 1.5 साल में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कवर करी। और इसमें अलग से कोई मैनेजमेंट का कुछ और रोल है जो इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं देते हैं और आप कुछ इसमें? बिल्कुल, हमारा सबसे स्पेशल कोर्स जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है वो है जिम प्लानिंग और मैनेजमेंट कोर्स। इसमें ये कोर्स कोई नहीं करा रहा और यहाँ पे हम जीरो से सिखाते हैं कि एक जिम बनाना कैसे होता है और जिम चलाना कैसे होता है, एक एक चीज सिखाते हैं। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे आपको डॉक्टर बनने के लिए डिग्री चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए डिग्री चाहिए, ऐसे ही जिम खोलने के लिए एक प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स है। और ये कोर्स करने के बाद जितने भी लोगों ने जिम चलाया सबके हिट जा रहे हैं। तो इसके अलावा कोई बैकअप सिस्टम भी आपका अलग से, अगर कोई फ्रेंचाइजी आपकी लेता है तो मैनेजमेंट में उसको ऑनगोइंग क्या हेल्प मिलती है एज कंपेयर्ड टू एनी अदर ब्रांड? हर चीज में हेल्प मिलती है, एक फ्रेंचाइजी मैनेजर अपॉइंट होता है, हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, हर महीने उनकी हेल्प करते हैं, हर महीने हमारे सेमिनार होते हैं, ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं, ट्रेनर्स को वहाँ बुला के सिखाया जाता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, ब्रांच की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी, और जो भी ब्रांच का सेल टारगेट होता है वो हम उनको गाइड करके अचीव कराते हैं। ओके, तो हरियाणा में सर कितनी ब्रांचेस हो गई अभी तक? हरियाणा में एक पंचकुला में है अभी, और एक हमारी रेवाड़ी में ओपन हो गई, एक यमुनानगर में है, एक गुड़गांव में जनवरी एंड में ओपनिंग है, सेक्टर 14 में हल्दीराम्स के ऊपर आ रहा है गुड़गांव में,
और एक अंबाला में भी बहुत जल्दी आ रहा है जिम। अच्छा। उसकी भी बात ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है और वैसे हमारे 40 से ज्यादा जिम्स हो चुके हैं। थैंक यू सो मच सर इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं गजेंद्र जी से एक दो क्वेश्चंस करना चाहूंगा। सर आप पहले ये बताइए कि आप एयरफोर्स बैकग्राउंड से हैं, राइट? तो आपको जिम खोलने का प्लान कैसे दिमाग में आया और आपने कैसे सोचा कि मेरे को एक जिम ओनर बनना है, या आपका पहले से कुछ इंटरेस्ट था और आप इस डिसीजन पे कैसे पहुंचे कि आपको प्रो अल्टीमेट जिम्स की फ्रेंचाइजी लेनी है? प्लीज थोड़ा सा थैंक यू डैनियल साहब, मेरे को दो शब्द बोलने के लिए टाइम दिया। थैंक यू सर जो आप मेरे पास प्रेजेंट हैं, आपने वैल्यूएबल टाइम निकाला। सबसे पहले देखो, मैं डिफेंस बैकग्राउंड है, मैं एयरफोर्स से बिलोंग करता हूँ एंड स्टिल मेरी एक इच्छा थी कि मेरी भी एक जिम हो, क्योंकि आज के दिन फिटनेस इंडस्ट्री अगर हम बात करें कि सिर्फ 0.33% लोग जो हैं वो जिम जाते हैं और हमारी बीमारियाँ, ओबेसिटी, हर चीज़ लाइफस्टाइल के हिसाब से जिम इज अटमोस्ट रिक्वायर्ड आज किसी भी बंदे के लिए। मैंने इसके ऊपर काम किया, थोड़े दिन देखा कैसे क्या है और आज के दिन जिस हिसाब से फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसके साथ जाना मुझे सबसे सही चीज़ लगी। इसलिए मुझे रिक्वायरमेंट थी किसी ऐसे स्पोर्ट सिस्टम की जो मैनेज कर सके, मेरी मेंटेनेंस कर सके, मेरे साथ बहुत वन टू वन कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सके। मैंने इससे पहले ये नहीं कि सबसे पहले मैं सर के पास गया, जैसे कि सबको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सब में थोड़ा थोड़ा ढूंढने की ना, जैसे उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो ऑफकोर्स वो काफ़ी पुराने ब्रांड्स हैं और आई थिंक वो सारे बाहर वाले ब्रांड हैं जी। तो सबसे पहले तो उनका बात करने का लहजा ही इस हिसाब से रहता है कि वी आर फॉरनर्स और एक इंडियन है, इंडियन की बात अलग होती है। मैं इनके टच में आया, सर के टच में आया, बात की, टीम से बात हुई तो एक अलग रिस्पॉन्स था हर जगह पे। स्टार्टिंग वेरी फर्स्ट डे से जिस दिन मैं डील साइन करने गया था उसी दिन से एक रेस्पॉन्स मिलना, ग्रेट अप, हर चीज़ दिखाना, अच्छे से समझाना, मशीनों के बारे में बताना, प्लस जैसे अभिषेक सर हर वीडियो में बात करते हैं कि ये जो सेक्टर है बहुत अनऑर्गेनाइज है। पहले मैंने इनका कोर्स किया जिम प्लानिंग मैनेजमेंट का, सप्लीमेंट का। देखो जिस भी चीज़ में जाते हैं हवा में मंदिर नहीं बनते हैं, उसके लिए बेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने कोर्स किया, उसके बाद में जाना कि ये इंडस्ट्री कितनी, मेरे को ये बिज़नेस कितना ग्रो कर सकता है, कितना नीचे लेके जा सकता है, अपर जा रहा हूँ तो उसकी कैपिंग क्या है, नीचे अगर डाउन जा रहा हूँ उसमें उसकी कैपिंग क्या है। उसके बाद मैंने आगे इनिशिएट किया, सर ने पूरा सपोर्ट किया, डैनियल साहब ने बहुत सपोर्ट किया, महेंद्र जी का बहुत बहुत सपोर्ट है जो डायरेक्टर हैं अपने प्रो अल्टीमेट जिम्स के। तो उसके बाद इंटीरियर से लेके हर एक चीज़ का 3D देना, मशीन्स का लेआउट, कौन सी मशीन सेलेक्ट करनी है, उसमें गाइड करना, बाद में कैसे हमने मार्केटिंग करनी, हर चीज़ में अटमोस्ट रिक्वायर, जिसको बोलते हैं टॉप लेवल, टॉप नोच चीज़ें इन्होंने सपोर्ट किया। मैं नहीं समझता कि कोई भी अगर बाहर का ब्रांड है वही बेस्ट कर पाएगा। हम अभी करके दिखाएंगे रेवाड़ी में फिटनेस कल्चर, काफ़ी और भी फ्रेंचाइजी हैं, रेवाड़ी के लोग ये देख भी रहे हैं। आज ओपनिंग है आपके सामने, ओपनिंग के दिन हम बातें कर रहे हैं एंड 250 लोग हमारे साथ रजिस्टर हो चुके हैं। तालियां भाई। आई थिंक वो मे बी ब्रांड नेम हो सकता है, मे बी इंटीरियर्स हो सकते हैं, मे बी अच्छी जिम, अच्छी मशीन्स हो सकती हैं, स्टाफ का बिहेवियर, सारी चीज़ों को देखो। एक टीम जब काम करती है तभी एक अच्छा रिजल्ट आ पाता है और वो चीज़ आई थिंक प्रो अल्टीमेट वाली टीम है बहुत अच्छे से निभाती है। हमें भी साथ लेके चले, चीज़ों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, आपकी टीम की तारीफ तो सर हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, काफ़ी लोग बातें कर रहे थे, तो आपकी टीम की ऑलरेडी ट्रेनर्स की काफ़ी तारीफ हो चुकी है और इसमें कोई झूठ नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं सर ये जानना चाहूँगा, इस लोकेशन की एड्रेस, मतलब एड्रेस क्या है इसका एग्जैक्टली, वो आप थोड़ा बताएं, और कितने स्क्वायर फीट में ये है और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल है ये थोड़ा आप बताइए। सबसे पहले तो ये रेवाड़ी में अनाज मंडी शॉप नंबर 254 को आपको आना पड़ेगा। यहाँ आई थिंक रेवाड़ी की नहीं, इस एरिया की सबसे बिगेस्ट जिम ये है जो 6000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया कवर करती है। दूसरा, हमारे पास हमने वो चीज़ें प्रोवाइड की हैं, आज के दिन लोगों की लाइफस्टाइल है वो एनहेंस होती जा रही है, बट स्टिल हमारे पास वही 2000 स्क्वायर फीट के जिम रहते हैं, कैपिंग और फीस उनकी 2000-2500, क्योंकि मोनोपली हो जाती है ना चीज़ों की। अभी हमारे पास सबसे बड़ी जिम है एक चीज़, मशीन्स हमने अच्छी डाली हैं दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो रेवाड़ी में नहीं थी सबसे पहले हैं, जैसे स्टीम बाथ वगैरह होगा, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस मशीन होगी, ये सब चीज़ें हमने स्टार्ट की है। इनसे लोगों को डिफरेंस भी फील होगा कि हाँ रियल में कुछ चीज़ें हैं, हर 15 दिन में 20 दिन में उनकी बॉडी का पूरा चेकअप होगा तो उनको पता चलेगा हम कर क्या रहे हैं। हम क्या सोचते हैं कि जैसे जब तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगा टिल द टाइम वी आर द हेल्दी, लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। इंटरनली धीरे 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 हम वीक होने स्टार्ट होते हैं, कमियाँ स्टार्ट होती हैं और एडमिट हम उस दिन होते हैं जिस दिन ब्रेकडाउन हो जाता है ना। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे हर एक क्लाइंट का, मैंने प्रॉपर बोल रखा है, यहाँ जितने भी बंदे हैं, वेदर पर्सनल ट्रेनिंग, जनरल ट्रेनिंग, लिव ऑल दीज थिंग्स, जितने भी बंदे हैं सबका टेस्ट होना चाहिए, सबको प्रॉपर गाइडेंस, सबकी प्रॉपर पोस्चर वगैरह, इनका सबका ध्यान रखना चाहिए। प्लस साथ में जैसे बात करते हैं हमारी फीस की, तो पहले ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी और मार्जिनल फीस है इस सेटअप की। मेरे हिसाब से कोई भी आप फॉरेन की जिम में जाओगे तो बहुत हाई चार्जेस करती हैं,
हमने यहाँ पे चार्ज रखे हैं 750 के कोस्ट पे। अगर कोई भी पर एनम की लेता है तो उसको सिर्फ कोस्ट पर मंथली 750 रुपये पड़ता है, जो हमने यहाँ पे रेवाड़ी में टारगेट किया है। प्लस में साथ में हमने, अगर कोई स्टूडेंट है उसके लिए हम स्पेशली एक एक्सक्लूसिव प्लान लेके आए हैं, क्योंकि स्टूडेंट लोग ना 1000 के अराउंड 1500-2000 इतना पे कर पाते हैं, एक साथ वो पैकेज नहीं ले पाते हैं, तो हमने ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल कराया उनके लिए। आई थिंक रेवाड़ी में पहले जिम में जो ईएमआई भी लोगों को दे रही है, एक टाइप से उनका पैकेज ही होगा। वो 999 वो पे करेंगे अपने अकाउंट में, सिर्फ उन्हें किसी भी फीस का नहीं देना, किसी को भी फीस, जस्ट अपने अकाउंट में मेंटेन करना है 999, एंड ऑटोमेटिक डिडक्ट होती रहेगी उनकी, एंड स्मार्टली वो यहाँ पे जिम भी करके जाएंगे। थैंक यू गजेंद्र जी। तो मैं सबको गुजारिश करूंगा, रेवाड़ी में और जो भी आसपास के एरिया में यहाँ पे लोग अवेलेबल हैं, यहाँ जरूर आएँ, एक बारी विजिट जरूर करें, गजेंद्र जी से, इनकी टीम से जरूर मिलें, और आप इस सारी फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं जो आपके शहर में अब अवेलेबल है बाय प्रो। और जैसे कि इन्होंने बताया, हर एक आदमी का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो पर्सनल ट्रेनिंग में है, जनरल ट्रेनिंग में है, या कोई भी उनकी रिक्वायरमेंट है, वो अपनी 1-on-1 काउंसलिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आके अपने फिटनेस गोल को अचीव कर सकते हैं। और आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं, विजिट जरूर करें, जो आपको एड्रेस इन्होंने बताया है। थैंक यू सो मच। और अब मैं इनकी टीम से मिलवाता हूँ, इन्होंने क्या कमाल की टीम बनाई है यार, आप ट्रेनर्स की पर्सनालिटी देखो यहाँ पे। तो आपका ट्रेनर से इंट्रोडक्शन कराते हैं, यहाँ से शुरुआत करेंगे। माय नेम इज जयवीर सर, मैं 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, कोर्स भी कर रखा है, सर्टिफाइड हूँ, और मिस्टर रोहतक रह चुका हूँ, मिस्टर रेवाड़ी रह चुका हूँ, मिस्टर हरियाणा में थर्ड पोजीशन पे रहा। क्या बात है, नाइस टू हैव यू विद अस। माय नेम इज जतिन और मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने मिस्टर नॉर्थ इंडिया और मिस्टर दिल्ली जीता है लास्ट ईयर। क्या बात है। मेरा नाम सचिन है और मैंने 2023 के अंदर मिस्टर रेवाड़ी जीता था, और अभी हम IBBF से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट ईयर चाहता हूँ कि मैं और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट करूँ और IBBF से अपने देश का नाम रोशन करूँ। गुड इवनिंग, दिस इज कपिल राव, सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रो अल्टीमेट जिम रेवाड़ी, एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन सेल्स। थैंक यू, बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। माय नेम जीतू, 6 साल का एक्सपीरियंस है एज ए ट्रेनर। ये सर का और इनका, इनकी बाकी सब की ये थोड़ी कम है, बाकी इनके पास एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अगर रेवाड़ी में नाम से जिनको जानते हैं ना कि वो ट्रेनर वो इनके पास, इनका मतलब सबसे बेस्ट फीडबैक है रेवाड़ी में। हां, सबसे बेस्ट ट्रेनर्स हैं रेवाड़ी के, आई कैन से। मैं 5 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग भी करता हूँ। मैं 3 टाइम्स मिस्टर बिहार और 1 टाइम्स ईस्ट इंडिया कॉम्पिटिशन जीत रखा है। वेरी नाइस। माई नेम इज सूरज एंड आई एम 4 ईयर एक्सपीरियंस एंड स्टिल अपग्रेड माई सेल्फ। गुड इवनिंग एवरी वन, माई नेम इज अश्विनी शर्मा एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स इन द फिटनेस लाइन। हाउ द जोश? हाउ द जोश? हाउ द जोश? So this video was specially dedicated to all the Haryana people. तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको पता लग गया होगा प्रो अल्टीमेट जिम्स कितना फास्ट ग्रो कर रहा है और जो फ्रेंचाइजी इसकी ले रहे हैं वो कितने खुश हैं, कितने एक्साइटेड है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसी अपना प्यार बना के रखो, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर करना, क्योंकि मेरा मोटिवेशन आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियोज लेके आता रहूँ, आपका मोटिवेशन और नॉलेज फिटनेस इंडस्ट्री में हमें हमेशा अपग्रेड रहे। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम अल्टीमेट जिम सॉल्यूशन, दिस इज अभिषेक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।